राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के नागरिक सचिवालय में स्थापित की गई उनकी प्रतिमा और चरखे का अनावरण किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बापू के आदर्श पूरी मानवता के लिए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में चरखे को महात्मा गांधी ने एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि चरखा स्वदेशी आंदोलन, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। उपराज्यपाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अधिकारी गांधी जी के विचारों और दर्शनों से प्रेरित होकर समाज में प्रत्येक नागरिक की गरिमा, समानता, सामाजिक न्याय के साथ विकसित व आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित रूप से कार्य करेंगे। सौभाग्य है कि आज हमें बापू के आदर्शों पर चलकर नए समाज का निर्माण करने वाले गांधीवादी शिल्पियों का सानिध्य और सहयोग प्राप्त हुआ है। बापू के आदर्शों, उनके जीवन कार्य, सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम एवं सहिष्णुता जैसे सशक्त औजार इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अनेक सपनों का जम्मू कश्मीर भी निर्मित करने का प्रयास कर रहा है। निजी तौर पर मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि बापू के दिखाए रास्ते पर चलकर ही जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य तक हम पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कोने कोने से हिंसा के खिलाफ उठ रही आवाज, गांव शहर से निकल रही शांति यात्रा, ये इस बात को और पुख्ता बनाती है कि बापू के शांति और समावेशी विकास के आदर्शों पर आज यहाँ लोग आगे निकल पड़े हैं और तमाम धर्म संप्रदाय एक दूसरे का समान रूप से आदर करते हुए बापू के दिखाए पवित्र साधनों के माध्यम से सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में अब लोग जुटने लगे। बच्चों एवं युवा साथियों, बापू के एक एक अनमोल शब्द अपने आप में स्वयं में एक विद्यालय और एक विश्वविद्यालय है, स्कूल और यूनिवर्सिटी है। उनके जीवन दर्शन से जो आप या हम सीखेंगे वो कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। बापू के आदर्शों की अनमोल निधि ही राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक हितों की रक्षा के लिए हमारा और आपका मार्गदर्शन।